हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के सीडियो में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू वॉरफेयर, यानी कि BA BSc 6 सेमेस्टर के लिए मिलिट्री साइंस सैन्य विज्ञान का फर्स्ट पेपर के टॉप MCQ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, MCQ तो नहीं रहेंगे लेकिन वन वर्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे जो MCQ में काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। ठीक है, यानी कि MCQ से बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, तैयार करके आपके लिए लेके आया हूँ। आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। PDF का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, लिंक पे क्लिक करते ही आपको टेलीग्राम पे जाएंगे। टेलीग्राम में जाते ही आप डायरेक्ट PDF पे पहुंच जाएंगे, तुरंत डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम से पहले, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, साथ ही साथ MCQ में आपको बताता चलूँगा कि किस तरह से MCQ पूछा जाएगा, तो आपकी वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत किसने दिया है। नेपोलियन ने दिया है। अगर इसी को MCQ में बनाना चाहूँ तो नेपोलियन के साथ तीन ऑप्शन में और जोड़ सकता हूँ, जैसे कि A.T. महान ने दिया है, क्लॉजविट्स ने दिया है या फिर कार्ल मार्क्स ने दिया है। इस तरह से तीन ऑप्शन और दे सकता हूँ और आपको टिक करवा सकता हूँ कि नेपोलियन ने दिया है। तो सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत किसने दिया है, नेपोलियन ने दिया है, इतना आप याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस सिद्धांत में संपूर्ण नागरिकों की युद्ध में भागीदारी निश्चित की, इसमें बच्चे, महिला और वृद्ध भी शामिल थे। देखो नेपोलियन जो था उसने जो युद्ध में क्या करा था, जब युद्ध हो रहा था तो नेपोलियन ने क्या कहा कि अपने देश के सभी लोगों को, पूरे यानी कि सारे नागरिकों को युद्ध में शामिल कर लिया। उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थीं, उसमें बूढ़े लोग भी शामिल थे। कैसे, अभी सभी लोग युद्ध करने तो जाएंगे नहीं ना, बच्चे कहाँ से युद्ध करेंगे। तो बच्चों की काम ये था कि वो जो सैनिक लड़ रहे हैं उनको पानी देने का काम कौन करेगा, बच्चे लोग करेंगे। ठीक है, और जो सैनिकों के लिए खाना पीने का जो सिस्टम है कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। और सैनिक जो घायल हो जाते हैं उनकी देखभाल कौन करेगा, बूढ़े लोग करेंगे। इस तरह से सभी का काम निश्चित किया था किसने, और इसी को सशस्त्र राष्ट्र राज्य का सिद्धांत कहा था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सशस्त्र राष्ट्र राज्य का जो सिद्धांत है नेपोलियन ने किस युग में दिया है। राइट आंसर आपको लगाना है भाप युग में दिया है। ठीक है, जिस समय भाप की शक्ति की खोज हुई उस समय को भाप युग कहते हैं, जिस समय तेल की खोज हुई उस समय को तेल युग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बांट दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि जो सशस्त्र राष्ट्र राज्य का सिद्धांत है नेपोलियन ने भाप युग में दिया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाप युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है और यंत्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। ठीक है, MCQ में बस क्या करना है, दो तीन ऑप्शन और बढ़ा दूंगा, फिर भी मैं आपको यही आंसर टिक करवाऊंगा, तो बेहतर रहेगा कि आप वन वर्ड में ही इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, एक बार PDF को खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रारंभिक हथियार के रूप में किसका निर्माण किया गया। प्रारंभिक हथियार के रूप में मस्केट का निर्माण किया गया था। मस्केट क्या है, तो मस्केट एक गन है जिसको हैंड गन भी बोलते हैं। ठीक है, मस्केट क्या है, एक गन है जिसका प्रारंभिक हथियार के रूप में निर्माण किया गया था, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जिस हथियार का सबसे पहले निर्माण किया गया है उसको आप मस्केट कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मस्केट से फायर करने के बाद उसे पुनः लोड करने में समय लगता था, इस कमी को दूर करने के लिए किसका निर्माण किया गया। संगीन का निर्माण किया गया। संगीन क्या है, ये मस्केट के मुंह पर लगाया हुआ 12 इंच का या फिर 1 फिट का चाकू हुआ करता था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो आपका मस्केट था, जो मस्केट थी यानी कि जो गन थी, उसको पहले जब शुरू शुरू में बनाया गया था तो उसको एक, जैसे आपने एक फायर किया तो उसके बाद आपको उसमें दोबारा गोली मतलब कि जो गोली है उसको डालना है, तो ठूस ठूस के उसको डालते थे, उसमें थोड़ा लगता था समय, और इतनी देर में क्या करेगा, दूसरा बंदा हमें आके आक्रमण कर देगा। तो उसके लिए एक सुविधा ये थी कि जो बंदूक, जो मतलब कि जो गन चला रहा है सैनिक, उसके साथ में ना एक भालेदार सैनिक खड़ा रहेगा उसकी सुरक्षा के लिए, जितनी देर में वो गन को लोड करेगा, ताकि कोई दूसरा बंदा आक्रमण ना कर दे, इसलिए उसके पास एक भालेदार सैनिक खड़ा रहता था। तो अभी एक बंदा एक्स्ट्रा उसके पास खड़ा हो रहा है, तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या करा कि जो बंदूक थी ना, बंदूक के मुँह पर ही 12 इंच का एक चाकू लगा दिया।
ठीक है, बंदूक के मुंह पे ही 12 इंच का एक चाकू लगा दिया, जिसको नाम दिया संगीन। क्या नाम दिया? संगीन दिया। जैसे कि आप देखते होंगे जो हवलदार वगैरह रहते हैं उनकी बंदूक पे ना क्या रहता है, एक भाले मतलब कि एक चाकू सा लगा रहता है उसके मुंह पे, तो उसी को हम संगीन बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनरल स्टाफ पद्धति की स्थापना किसने की? जनरल स्टाफ पद्धति की स्थापना मोल्टके ने की थी। मोल्टके कौन था? पिर्शा का जर्नल था। ठीक है, पिर्शा क्या है? वर्तमान जिसको हम जर्मनी कहते हैं उसी का नाम पहले पिर्शा था, तो जर्मनी का जर्नल था मोल्टके। मोल्टके ने क्या करा था? जर्नल स्टाफ पद्धति की स्थापना की थी। जर्नल स्टाफ पद्धति क्या थी? तो सेना का आकार बढ़ने के कारण सेनापति के भार को कम करने के लिए जर्मनी के जर्नल मोल्टके ने, यानी कि पिर्शा के जर्नल मोल्टके ने जर्नल स्टाफ पद्धति की स्थापना की, क्योंकि युद्ध में तकनीकी विकास के कारण युद्ध यंत्रों एवं उपकरणों का निर्माण तथा सैनिकों की अन्य असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना अकेले जनरल के बस की बात नहीं थी। यानी कि उसने क्या करा, जनरल के अलावा अलग अलग डिवाइड कर दिया कि भाई अगर सैनिकों को कुछ दिक्कत हो रही है, उनका घायल हो गया, तो एक अलग बंदा रहेगा, एक अलग स्टाफ रहेगा। ठीक है, यानी कि एक स्टाफ बनाया, देखने के लिए अलग रहेगा, युद्ध में जाने के लिए अलग रहेगा, लेक्चर देने के लिए अलग रहेगा, यानी कि पूरा एक सिस्टम बना दिया। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते ना, अभी पहले क्या हुआ करता था, ज़्यादातर एक ही डॉक्टर हुआ करता था, एक ही डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वैद्य लोग, वही हड्डी को जोड़ रहे हैं, वही हमारा बुखार ठीक कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर अलग है, आंखों का डॉक्टर अलग है, है ना, बुखार का डॉक्टर अलग है। इसी तरह से क्या कर दिया कि इसने भी सबको अपना अपना काम दे दिया, एक स्टाफ बनाया, जनरल स्टाफ पद्धति उसका नाम दे दिया, उसी में सबका अलग अलग काम दे दिया। ठीक है, किसने? वजू का क्या है? तो वजू का क्या है, एक टैंक तोड़ रॉकेट है। ठीक है, क्या है? एक रॉकेट है टैंक को तोड़ने वाला, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके शुरू हो रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का युद्ध में जो भी योगदान है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर रहेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसको अगर एमसीक्यू बनाऊं तो मैं आपसे कहता हूं कि 25 अक्टूबर 1946 को होती है, 96 को होती है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1946 को होती है। इस तरह से मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, इनमें से कोई नहीं तो आपको टिक करना होगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाटो की स्थापना कब होती है? तो 9 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नाटो में निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य है या फिर कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो आपको नाटो के सदस्य देशों की संख्या भी याद करनी पड़ेगी। नासा की स्थापना कब की गई? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्षी संधि कब हुई थी? तो वर्षा संधि जो हुई थी मई 1955 को हुई थी। ठीक है, मई 1955 को वर्षा संधि हुई थी, यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीटो की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटो यानी कि साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की जो संधि हुई थी सितंबर 1954 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सितंबर 1954 को हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? तो इसमें शामिल था संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल था, फ्रांस शामिल था, ग्रेट ब्रिटेन शामिल था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड और पाकिस्तान ने दक्षिण पूर्व एशिया संगठन यानी कि सीटों का गठन किया था। ठीक है, ये सारे देश जो हैं इसमें शामिल हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवीन अवधारणा या गैर पारंपरिक अवधारणा का जन्म कब हुआ? नवीन अवधारणा या फिर गैर पारंपरिक अवधारणा का जन्म होता है 1990 के दशक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, युद्ध मानव का सहचर रहा, ये किसने कहा? युद्ध जो है मानव का सहचर रहा किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बारूद की खोज कब और किसके द्वारा की गई? देखो, कब और किसके द्वारा की गई, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके तैयार हो जाएंगे। तो 1249 ईस्वी में रोजर बेकन के द्वारा की गई है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है मेरी। बारूद की खोज जो है कब की गई थी? तो बारूद की खोज 1249 ईस्वी में की गई है। बारूद की खोज किसके द्वारा की गई? तो बारूद की खोज जो है रोजर बेकन के द्वारा की गई थी। तीसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, किस सदी में बारूद की खोज की गई थी? तो 13वीं सदी में बारूद की खोज की गई थी। ठीक है, 1249 यानी कि 13वीं सदी चल रही थी,
ना, तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम हैंडगन यानी कि मस्केट का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, 1364 में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, 1364 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, और जो हैंडगन को मस्केट नाम दिया है वो जर्मनी का ही नाम हो जाएगा। ठीक है, और भी देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मस्केट की प्रारंभिक लंबाई कितनी थी और इसकी मासक क्षमता कितनी थी, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। तो मस्केट की प्रारंभिक जो लंबाई थी ना 6 फीट की हो जाएगी। ठीक है, कितनी, 6 फीट की हो जाएगी, यानी कि 12 इंच करके आप 6 फीट जब जाएंगे तो इतनी इसकी लंबी हो जाएगी लंबाई, यानी कि, और 100 गज की इसकी क्षमता थी। क्षमता यानी कि ये 100 गज तक जो है अपनी थ्रो फेंक सकती थी, यानी कि अगर कोई बंदा आपसे 100 गज दूरी पर खड़ा है तो आप उसी को मार सकते हो, अगर वो 150 गज दूरी पर खड़ा है तो वहाँ तक इसकी क्षमता नहीं थी जाने की, ऐसे याद रखिएगा। और 100 गज कोई ज़्यादा लंबी दूरी होती नहीं है, आपके मकान जो होंगे 100 गज, 50 गज, 150, 200, 250, 300, तो आप 100 गज अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी दूर रहेगा। अगर इतनी देर में लोड, मतलब कि जो बंदा है एक फायर करके उसको लोड करेगा, तो मुश्किल से 2 से 4 सेकंड उसको भाग के आने में लगेंगे उस बंदे के पास, इतनी देर में उसको लपेट देगा। इसी वजह से क्या करा गया था, शुरुआत में उसके पास एक भालेदार सैनिक खड़ा किया गया था, फिर उस सैनिक की कमी को दूर करने के लिए बंदूक में ही संगीन का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। मस्केट के कितने प्रकार होते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मस्केट के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से 3 प्रकार हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका मेचक लॉक मस्केट, एक हो जाएगा व्हील लॉक मस्केट, एक हो जाएगा फिलिंग लॉक मस्केट। ठीक है, यानी कि ये जो है समय के साथ साथ विकसित होते गए, वही है। मैच लॉक मस्केट में क्या था, इस बंदूक में फायर हेतु बत्ती के द्वारा चिंगारी लगाना पड़ता था। ठीक है, फायर के लिए क्या करना पड़ता था, बत्ती के द्वारा फायर लगाना पड़ता था। ठीक है, व्हील लॉक मस्केट में क्या करता, तो 1520 में फायर हेतु आग उत्पन्न करने के लिए पाइराइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, पाइराइट का प्रयोग किया जाता था, कब, 1520 में। ठीक है, व्हील लॉक मस्केट को फायर कराने के लिए। फिलिंग लॉक मस्केट में क्या करा था, 1638 में पाइराइट के स्थान पर चमकदार पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। इन पॉइंटों को याद रखेंगे, ठीक है। इनको एमसीक्यू में कन्वर्ट करना थोड़ा दिक्कत है, मतलब कि थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया मैं किस तरह से इसको बताऊं, तो मैं डायरेक्ट ही इसको आपको क्वेश्चन बता दिया हूं, आपके माइंड में रहेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता भी ना, तो आप इसका गारंटी से मैं कहता हूं कि आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभिन्न देशों में मस्केट के अलग अलग नाम है, जैसे स्पेन में इसको मस्केट ही बोला जाता है, फ्रांस में आर्क्यूबस बोला जाता है, इंग्लैंड में कैलिवर बोला जाता है, जर्मनी में हैंक बुश बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संगीन कब और कहाँ हुआ, तो संगीन का निर्माण कब और कहाँ हुआ है, संगीन का निर्माण फ्रांस के बैयोने नगर में हुआ है, कब हुआ है, 1647 में हुआ है, दोनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि बायोनेट यानी कि जो संगीन का निर्माण बैयोने नगर में हुआ है, फ्रांस के बैयोने नगर में हुआ है, इसी वजह से इसका एक अन्य नाम हो जाएगा बायोनेट। ठीक है, बायोनेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है फ्रांस के बैयोने नगर में हुआ है, इसी वजह से इसका नाम बायोनेट भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक 12 इंच या फिर 1 फिट लंबी चाकू होती है जो मस्केट के ऊपर लगी होती है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम तोप में किस प्रकार के गोले डाले गए, जब तोप बनाई गई थी तो सबसे पहले जो तोप में गोले डाले गए थे ना, वो शीशे के या फिर कांच के गोले डाले गए थे, यानी कि उसमें शीशे भर दिए, कांच भर दिए और फायर कर दिया जो दुश्मनों के ऊपर आ जाके आक्रमण करेंगे। ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि डायरेक्ट आग के गोले या फिर लोहे के गोले डाले, धीरे धीरे ही कोई चीज़ विकसित होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तोप में सबसे पहले लोहे के गोले किसने डाले, तो तोप में जब लोहे के गोले डाले थे तो किसने डाले थे, चार्ल्स ऑस्टम ने डाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विस्फोटक गोले का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, विस्फोटक गोले का आविष्कार जो होता है 1663 ईस्वी में होता है, कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 1663 ईस्वी में फ्रांस में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तोप को ले जाने वाली गाड़ी का निर्माण कब हुआ, तो 1470 में तोप को ले जाने वाली गाड़ी का निर्माण होता है। पहले क्या करते थे, घोड़े से खींच के ले जाते थे, बड़ी दिक्कतें आती थी, तो गाड़ी का निर्माण जो हुआ है 1470 में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का प्रथम तोपची किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम तोपची माना जाता है सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को माना जाता है, कहाँ के थे, ये तुर्की के थे। ठीक है, कहाँ से थे, ये तुर्की के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घेरा डालने वाली
तोप का निर्माण किसने कराया? घेरा डालने वाली तोप का निर्माण चार्ल्स अष्टम ने ही कराया है, जिसने लोहे के गोले सबसे पहले तोप में डाले थे। ठीक है, तोप में लोहे के गोले किसने डाले थे? चार्ल्स अष्टम ने डाले थे, और इसी ने घेरा डालने वाली तोपों का निर्माण भी कराया था। अभी मैं धीरे धीरे आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सुकून से वीडियो को देखें और मेरी बातों से ही आपको सारी चीज़ें याद होती चले। ठीक है, बाकी आप PDF से भी पढ़ सकते हैं आपके पास टाइम कम हो तो। ठीक है, PDF मैंने आपके लिए दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तोपों को हल्का करके रण क्षेत्रीय तोपखाने का निर्माण किसने कराया? तोपों को हल्का करके रण क्षेत्रीय तोपखाने का निर्माण किसने कराया? गुस्तावास ने कराया। ठीक है, तोप जो भारी भारी हुआ करती थी उसको हल्का किसने कराया? गुस्तावास ने कराया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अश्व तोपखाना तथा हवित्जर तोपखाने का निर्माण किसने किया? फ्रेडरिक महान ने किया है, जो जर्मनी के निवासी हो जाएंगे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तकनीकी विकास का द्वितीय चरण है, तो तकनीकी विकास का द्वितीय चरण भाप युग से प्रारंभ होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाप शक्ति की खोज कब और कहां और किसने की? तीन क्वेश्चन यहां पे बना दिए हैं, भाप शक्ति की खोज कब, कहां और किसने की है? तो भाप शक्ति की खोज 1786 में जेम्स वाट द्वारा स्कॉटलैंड यानी कि ब्रिटेन में की गई है। तीन क्वेश्चन आपसे बन गए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। भाप शक्ति की खोज कहाँ हुई है? तो 1786 में हुई है। ठीक है, भाप शक्ति की खोज जो है किसने की है? तो जेम्स वाट ने की है। भाप शक्ति की खोज जो है कहाँ की गई है? स्कॉटलैंड ब्रिटेन में की गई है। तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपके तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाप शक्ति से चलने वाले इंजन का निर्माण किसने किया है? टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर याद रखना है, भाप शक्ति से चलने वाले इंजन का निर्माण जो है जेम्स वाट ने ही किया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाप युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाप युग को यांत्रिक युग और कल कारखाने का युग भी कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समग्र राष्ट्र राज्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? समग्र राष्ट्र राज्य का जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, जो फ्रांस के निवासी थे। दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके तैयार हैं, नेपोलियन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था। ठीक है, समग्र राष्ट्र राज्य का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनरल स्टाफ पद्धति का गठन किसने किया है? मॉल्टके ने किया है, जो प्रशा का यानी कि वर्तमान जर्मनी का जनरल था, याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेल के इंजन का निर्माण किसने किया? तो रेल के इंजन का निर्माण जो है जॉर्ज स्टेफिन्स ने किया है। कब किया है? 1814 में किया है। कब किया है? 1814 में किया है। और कैसे किया है? जेम्स वाट के वाष्प शक्ति यानी कि भाप शक्ति के बल पर। ठीक है, भाप शक्ति के बल पर जॉर्ज स्टेफिन्स ने रेल के इंजन का निर्माण किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकनीकी विकास का तृतीय चरण, तो तेल युग को तकनीकी विकास का तृतीय चरण कहते हैं, भाप युग को तकनीकी विकास का टेक्नोलॉजी का द्वितीय चरण कहते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट्रोलियम पदार्थ की खोज कब और किसके द्वारा की गई? दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, कब और किसके द्वारा। तो पेट्रोलियम पदार्थ की जो खोज है 1559 में की गई है। पेट्रोलियम पदार्थ की जो खोज है एडविन एल्डेक के द्वारा की गई है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, एडविन एल्डेक जो हैं कहाँ के हैं? तो अमेरिका के एक नागरिक हो जाएंगे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रयोगात्मक पेट्रोल इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्रयोगात्मक पेट्रोल इंजन का निर्माण जो हो जाएगा जर्मनी में निकोलस ऑगस्ट ओटो द्वारा बनाया गया था। ठीक है, निकोलस ऑगस्ट ओटो द्वारा पेट्रोल इंजन बनाया गया था। भाप इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने बनाया था। पेट्रोल इंजन किसने बनाया है? ऑगस्ट ओटो ने बनाया है। ठीक है, निकोलस ऑगस्ट ओटो द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 1888 में टायर का निर्माण किसने किया? 1888 में टायर का निर्माण किसने किया? एक क्वेश्चन तो बन जाता है कि 1888 में टायर का निर्माण होता है, किसने किया है? जॉन बॉयड डनलप ने किया। ठीक है, जॉन बॉयड डनलप ने 1888 में वायवीय टायर का आविष्कार किया है, याद रखना है। वह ब्रिटेन के निवासी थे और इस बात से अनजान थे कि रॉबर्ट थॉम्सन ने 1886 में, ठीक है, 1846 में पहले ही वायवीय टायर के लिए एक डिज़ाइन का पेटेंट करा लिया था। ठीक है, इस बात से वो अनजान थे, याद रखेंगे। इन सारी बातों को आपको याद नहीं करना है, बस सुनना है मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर खुद से पढ़ना है। याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, दो तीन बार आप वीडियो को देखेंगे या फिर दो तीन बार आप PDF को खुद से पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। बेहतर है कि आप वीडियो को ही देखें, क्योंकि सुनने में और फिर उसको समझने में थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
आधुनिक पेट्रोल इंजन का निर्माण कब और किसने किया, कब और किसने किया है, दो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आधुनिक पेट्रोल इंजन का जो निर्माण हुआ है 1885 में हुआ है। किसने किया है, गॉटबिल डोमर ने किया है। कहाँ के थे, जर्मनी के निवासी थे। तीन क्वेश्चन यहाँ से तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तेल से चलने वाले वायुयान का आविष्कार कब और किसने किया है, 1903 में किया है किसने, राइट बंधुओं ने किया है। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको सेकेंड पेपर में बता दिया है। राइट बंधु जो थे दो भाई थे, ऑरविल राइट विल्वल राइट, ठीक है। 1903 में इन्होंने बनाया तो था लेकिन सही से उड़ा नहीं पाए थे। 1905 में इसका सफल प्रयास इन्होंने कर लिया था, ठीक है। लेकिन जो ये उड़ता था किससे उड़ता था, तेल से उड़ता था, इस वजह से यहाँ पे भी इसका मैंने जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नोट में आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, कि वायुयान के आविष्कार से युद्ध को त्रिदिशात्मक बनाया गया, ठीक है। कैसा बनाया गया है, त्रिदिशात्मक बनाया गया है। अभी तक दो थे, यानी कि जो दिशाएं थी वो दो थी, एक तो आपका जल पे युद्ध होता था, एक आपका थल पे युद्ध होता था। वायुयान के आविष्कार से हवा में भी युद्ध होने लगा है, हवा के द्वारा युद्ध होने लगा है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, जनरल डुहेट कहाँ के निवासी थे, तो इटली के निवासी हो जाएंगे। कौन, जनरल डुहेट। जनरल डुहेट से रिलेटेड कथन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो आप एक बार उनको देख लेंगे, ठीक है, गूगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में खाई युद्ध के गतिरोध को समाप्त किसके द्वारा किया गया, प्रथम विश्व युद्ध में खाई युद्ध के गतिरोध को समाप्त किसके द्वारा किया गया, टैंकों के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट्स के रूप में याद रखना है, कि जो तकनीकी विकास का चतुर्थ चरण प्रारंभ होता है वो नाभिकीय परमाणु युग से होता है, ठीक है। तकनीकी विकास का चतुर्थ चौथा चरण जो स्टार्ट होता है नाभिकीय परमाणु युग से होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम परमाणु बम का निर्माण एवं प्रशिक्षण कब और किसके द्वारा किया गया है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो प्रथम परमाणु बम का जो निर्माण हुआ है या फिर प्रशिक्षण हुआ है, अमेरिका के द्वारा हुआ है। दोनों क्वेश्चन एक ही में बता दिए हैं, कि निर्माण कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ, प्रशिक्षण कहाँ हुआ है, अमेरिका में हुआ है, कब हुआ है, 16 जुलाई 1945 को किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा किया गया है। प्रथम परमाणु बम परियोजना का नाम क्या था, जो प्रथम परमाणु बम परियोजना हुई है 16 जुलाई 1945 को, इसका नाम क्या था, मैनहट्टन परियोजना इसका नाम हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष थे कौन थे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, और ये वैज्ञानिकों के निर्देशक भी हो जाएंगे, यानी कि जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको निर्देश दे रहे हैं, उनको दिशा निर्देश देने का काम इनका रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया, यानी कि हमसे स्थान पूछ रहा है कि जो प्रथम परमाणु बम परीक्षण किया गया था वो किस स्थान पे किया गया था, अल्मोगोडो में किया गया था, न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। इसका कोड नाम आपसे पूछा जाएगा, याद रखेंगे, इसका कोड नाम हो जाएगा ट्रिनिटी, ठीक है। जैसे कि भारत का प्रथम परमाणु जो परीक्षण किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा हमारे यहाँ का नाम था, तो इसका नाम था ट्रिनिटी। क्या नाम था, ट्रिनिटी, प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बमबारी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें परमाणु बम का एक पता चला कि कितना भयानक ये बम हो जाएगा, ठीक है। तो नागासाकी पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम फेंका था किसने फेंका था, अमेरिका ने फेंका था, ठीक है। स्थान कौन सा था, एक था हिरोशिमा एक था नागासाकी, ये दोनों स्थान कहाँ हैं, जापान में हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको डेट भी याद रखनी है, हिरोशिमा पर जो अमेरिका ने पहला बम फेंका था 6 अगस्त 1945 को फेंका था, इसका नाम क्या था, इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में, तो सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है। 9 अगस्त 1945 को जो बम फेंका था अमेरिका ने जापान पे, कहाँ फेंका था, नागासाकी पे फेंका था, उसका नाम क्या था, फैट मैन इसका नाम हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट्स के रूप में याद रखना है, कि द्वितीय तोहफा जो कहा जाता है, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन बम को कहा जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन या फिर हाइड्रोजन बम या परमाणु बम को जो है द्वितीय तोहफा कहा जाता है, इस बात को पॉइंट में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइड्रोजन बम का निर्माण कब और किसने किया है, हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है एडवर्ड टेलर ने किया है, कब किया है, 1952 में किया था, कहाँ का था, अमेरिका का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूट्रॉन बम का निर्माण कब और किसने किया है, तो न्यूट्रॉन बम का निर्माण जो है सैमुअल टी कोहेन ने किया है, किसने, सैमुअल टी कोहेन ने किया है, कब किया है, 1958 में किया है, कहाँ का था, ये भी अमेरिका का हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट्स के रूप में याद रखना है, क्या याद रखना है, कि तकनीकी विकास का पांचवां चरण साइबर युग को कहा जाता है,
तकनीकी विकास का पांचवा चरण जो कहा जाता है साइबर युग को कहा जाता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी का युग या फिर साइबर युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि तकनीकी विकास का पांचवा चरण जो है साइबर युग को कहा जाता है, इसे सूचना प्रौद्योगिकी का युग या फिर साइबर युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टी श्रेणी के टैंकों का निर्माण किसने किया है। तो टी श्रेणी के जितने भी टैंक हो जाएंगे, जैसे कि T70 हो जाएगा, T80 हो जाएगा, T90 हो जाएगा, टी श्रेणी के जितने भी टैंक हो जाएंगे सबका निर्माण सोवियत संघ ने किया है, जिसे हम आज रूस कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिग श्रेणी के सभी लड़ाकू विमानों का जो निर्माण है किसने किया है। तो मिग श्रेणी के सभी लड़ाकू विमान जैसे कि MiG-21 हो जाएगा, MiG-23 हो जाएगा, MiG-27 हो जाएगा आदि का निर्माण सोवियत संघ ने ही किया है, जिसे आज हम रूस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुखोई MKI लड़ाकू विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। सुखोई MKI लड़ाकू विमान का निर्माण भी सोवियत संघ के द्वारा किया गया है, जिसे आज हम रूस कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का निर्माण किसने किया। तो ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है उसका जो निर्माण किया है किसने किया है, भारत और रूस ने संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय विमान वाहक पोत INS इंडियन नेवल शिप विक्रम आदित्य को भारत को किसने दिया। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय विमान वाहक पोत है विक्रम आदित्य, इसको भारत को किसने दिया है। तो रूस ने गिफ्ट के तौर पर जो है भारत को दे दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जगुआर विमान को भारत ने किससे खरीदा। जगुआर विमान को भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन से खरीदा है। तो फ्रांस से जो खरीदे हैं उसको नाम दे दिया है शमशेर, और जो ब्रिटेन से खरीदे हैं उसको नाम दे दिया है डारिन। ठीक है, याद रखेंगे जो फ्रांस से विमान खरीदे हैं उसको नाम दिया है शमशेर, और जो ब्रिटेन से विमान खरीदे हैं उसको नाम दे दिया है डारिन। इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के प्रथम विमान वाहक पोत विक्रांत और द्वितीय विमान वाहक पोत विराट को भारत ने किससे खरीदा है। ब्रिटेन से खरीदा है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है, तो विक्रांत हो जाएगा। द्वितीय विमान वाहक पोत कौन सा है, तो विराट हो जाएगा। तो किससे खरीदा है, ब्रिटेन से खरीदा है। अब आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे कि हम क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली जो है दूसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी में, सबसे पहले आपका MS धोनी, उसके बाद आपका विराट आ जाएंगे। तो विराट जो आ जाएगा दूसरे नंबर पर आ जाएगा यहां पर भी, ठीक है। तो विराट अगर हमारा दूसरे नंबर पर आ रहा है तो हमारा विक्रांत जो हो जाएगा वो खुद ही पे पहले नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं विराट आपका दूसरे नंबर पर है, विक्रांत आपका खुद ही खुद पहले नंबर पर आ जाएगा। कहां से खरीदा है, ब्रिटेन से खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नोट के रूप में आप याद रखेंगे कि जो भारत है ब्रिटेन की औपनिवेशिक संगठन राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो हो जाएगा ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल का सदस्य है या फिर कौन सदस्य नहीं है। भारत आपका ऑप्शन में है तो हो जाएगा, अगर भारत आपका ऑप्शन में नहीं है तो आप कुछ भी मतलब कि जो टिक होगा उसको टिक करके आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसराइल यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो इसराइल यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। कब गए थे, 2017 में गए थे, ठीक है। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कवर कराऊंगा व्हाट्सअप चैनल के जरिए मैं MCQ क्यूज़ में आपको करा दूंगा, ठीक है। जो मैं वहाँ पे आपको क्यूज़ करा रहा हूँ आजकल उसी में मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आपके लिए मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। किस नाम से, हेलो स्टडी के नाम से। यहां पे मैं आपको GK से रिलेटेड टॉप MCQ बनाता हूं, ठीक है। क्या करता हूं, GK के टॉप MCQ आपको बताता हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UP पुलिस हो सकता है, SSC हो सकता है, SSC GD हो सकता है, CGL हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।